जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी हो सकती है चंदन के नाम पर करोड़ों की ठगी। अभी हाल ही में एक मामला प्रकाश में आया है छत्तीसगढ़ में, जिसमें उसने किसानों को और जो फार्मर्स थे जो चंदन लगाना चाहते हैं उनको बेवकूफ़ बना के 1.5 से 2 लाख रुपए की ठगी की है। कुल ठगी इनकी करोड़ों में है। मैं सिर्फ एक किसान की बात आपको बता रहा हूँ, एक किसान से इन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपये तक की ठगी इन्होंने की हुई है। छत्तीसगढ़ की बात है, इसी तरीके से यूपी में, बिहार में बहुत सारी घटनाएं आए दिन आपको सुनने को मिलेंगी, जहां आपको देखने को मिलता है कि चंदन के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप इस ठगी से बच सकते हैं और क्या क्या जेन्युइन तरीका आपको इसमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले इनका तरीका समझते हैं। देखिए, ये जो ठगी करते हैं ये आपको लालच देते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये आपको जो चंदन का प्लांट है 250 से 300 रुपये के आसपास में चंदन का प्लांट आपको ये बेचते हैं और उसकी केयरिंग के लिए आपको अलग से पैसा भी देते हैं, महीने का 2000 रुपये 3000 रुपये। और उसके बाद ये आपसे एक साइन करवाते हैं पेपर, और उसके ऊपर उस ये लिखा होता है कि 20 साल बाद हम ही आपके चंदन के पेड़ को 10 लाख में 20 लाख में खरीद लेंगे। तो आप इसमें लालच में आ जाते हैं क्योंकि आपको बेचने के झंझट का जो है टेंशन नहीं होता है, तो आप इनके चंदन के प्लांट्स को खरीद लेते हैं। यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। आप 100, 200, 500 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लांट खरीदते हैं, 300 से 400 रुपये के प्लांट ये बेचते हैं। तो ये दोस्तों इनकी ठगी का मेन जो है सोर्स है। इस तरीके से पूरे इलाके में ये लगभग 1-1.5 लाख पौधे बेच देते हैं और अपना करोड़ों का काम करके ये निकल जाते हैं। और जो इनके दिए गए फ़ोन नंबर होते हैं उसके बाद आप उसमें संपर्क करेंगे तो कभी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं, चंदन ही नहीं, उन्होंने सागवान लगाया था, महोगनी लगाया था, मालाबार नीम लगाया था इन कंपनियों के द्वारा। ये अपने आप को कंपनी कहते हैं और ये किसानों को 1000, 2000 प्लांट जो है बेचते हैं बहुत महंगे दाम पे, ताकि किसानों को बायबैक तरीके का ये जो है पेड़ इनको बेचते हैं और ये अपना मोटा पैसा बना के निकल जाते हैं। तो इससे आपको दोस्तों बचना है। जब भी कोई ऐसी कंपनी आपके पास आए तो आप पहले उसकी पूरी तरीके से तहकीकात कर लीजिए, उसके बाद ही उससे प्लांट खरीदिए। और जो चंदन की कॉस्ट ये होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट की ये कॉस्ट है। अमूमन जो कॉस्ट है वो मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ। नर्सरी में जो आपकी कॉस्ट है लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाती है। इसके अलावा सीड के माध्यम से भी आप इसका प्लांट खुद से इसकी नर्सरी तैयार करके वो भी आप तैयार कर सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आपके पास इसमें होता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो ठगी है ये अभी बहुत हो रही है। अभी छत्तीसगढ़ का एक मामला सामने आया, इससे पहले बिहार के कुछ मामले सामने आए और इसके अलावा भी बहुत सारे मामले इसमें सामने आते हैं। दूसरी जो ठगी है वो है किसान जो है चंदन की प्राइसिंग के ऊपर। देखिए, जो चंदन की प्राइसिंग के ऊपर बहुत सारी इसमें मिथ हैं, बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं। लोगों को ये पता है कि 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये का चंदन बिकता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, एक और वीडियो बनाऊंगा क्या प्राइस अभी की टाइम में चल रहा है, करंट मार्केट में सैंडलवुड का क्या प्राइस चल रहा है, लाल और सफ़ेद चंदन दोनों इसके ऊपर कवर करने वाला हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई, हर स्टेट का अलग अलग चंदन की लकड़ी का रेट होता है। ये जो आपको सिर्फ हवा में जो आपको लखपति करोड़पति बना दिया जाता है बहुत गलत हो, तो इसके बहकावे में आप बिल्कुल भी ना आइए। चंदन की लकड़ी का जो जेन्युइन प्राइस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने आपको एक बार बताया भी है कि मेरी जो चंदन की लकड़ी किस रेट मैंने बेची हुई है। तो ये था दोस्तों आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसके अलावा फॉलो कीजिए ऐसे ही शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।